अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आइंदा हफ्ते 19 जून को पेश करने का फैसला किया है। पंजाब के बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। अजराय के मुताबिक पंजाब के बजट में पेंशनर के लिए बुरी खबर है। महकमा खजाना का कहना है कि पेंशनर को रिलीफ फराहम नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत ने महकमा खजाना से पेंशन में 5% रिलीफ का कह दिया। पेंशनर को 5% रिलीफ मिलेगा या नहीं, अभी फैसला होना बाकी है। पंजाब बजट में ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का इम्कान है। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे का इम्कान है। वफाकी हुकूमत ने पेंशन में 17.5% इजाफा किया था, जबकि ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के लिए 35% और ग्रेड 17 से 22 के लिए 30% इजाफा किया था। एक मुल्क में 3-3 कानून ने सरकारी मुलाजमीन की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। तमाम सूबों को चाहिए कि वफाक की तर्ज पर अपने सरकारी मुलाजमीन को एक जैसी मराहत दें, ताकि मुल्क में यकसा निज़ाम कायम हो सके। और ये जो तफरीक का एक निज़ाम पैदा किया जा रहा है, ये मुल्क को कौम के लिए जहरी कातिल है।